चलें जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे सिलेबस में एक्सटर्नल ऑडिट नहीं है, सही, हमारे सिलेबस में सिर्फ इंटरनल ऑडिट है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट की कनेक्टिविटी तो बनती है। सिर्फ जी फर्क सर, ये कि एक मेजर डिफरेंस जो है, जो पहले गो में हमारे समझ में आता है कि एक वो एक्सटर्नल व्यू रखता है, एक इंटरनल व्यू होता है, लेकिन दोनों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट है उसका जो फोकस है वो टाइप ऑफ एक ओपिनियन देना है, सही है, इवैल्यूएशन करना है, अपनी ओपिनियन देना है, सही है। तो जब इवैल्यूएशन करने वाला, ओपिनियन देने वाला सही बंदा ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, तो प्रॉब्लम क्या होगी? वही प्रॉब्लम होगी जब ऑडिटर और डायरेक्टर मिल जाते हैं। जी सर, एनरॉन। हाँ, तो उसका ओपिनियन जो ना इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव से आएगा तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की, इंटरनल ऑडिट की सिग्निफिकेंस सामने आती है, वरना तो फायदा क्या फिर इंटरनल ऑडिट फंक्शन का। प्लस ये कि इंटरनल ऑडिट की जो टीम होनी चाहिए, लाजिम बात है इंटरनल ऑडिट कोई मैंडेटरी फंक्शन तो है नहीं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, सही है। तो उसके अंदर अब एक टीम इस्टेब्लिश करना, इट्स वेरी कॉस्टली टू, कि आप जो ना वो दो तीन बंदे अपॉइंट करें और रखें और इंटरनल ऑडिट हेड को 4-5 लाख रुपए दें, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कोशिश करती है कि इसके बगैर गुजारा हो जाए। लेकिन गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए अब ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल ऑडिट को एज अ ट्रेंड कह दें, फैशन कह दें, लाना शुरू कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर क्रिएट होता जा रहा है कि जी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए। सही, अब इसको माइंड में रखते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखेंगे तो हमें चीजें थोड़ा थोड़ी सी बेहतर अंदर इन डेप्थ समझने में आसानी रहेगी। सही है, ठीक है सर। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनल ऑडिट के होने से एक्सटर्नल ऑडिटर को सपोर्ट मिलती है? बिल्कुल सर। क्या मैं ये कह सकता हूँ इंटरनल ऑडिट के होने से एक्सटर्नल ऑडिटर का काम कम हो जाता है? सर, अगर क्वालिटी वाला इंटरनल ऑडिट था तो एक्सटर्नल ऑडिट का काम कम हो जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनल ऑडिटर अगर आउटसोर्स किया वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो एक्सटर्नल ऑडिटर का काम ज्यादा आसान हो जाता है? सर, डिबेटेबल है सर, क्योंकि अगर आप आउटसोर्स करेंगे तो आपकी इंडिपेंडेंस एक अच्छी होगी, तो एक्सटर्नल ऑडिटर रिलाय कर सकता है उसके ऊपर। इसका मतलब है अगर हम इसको आउटसोर्स कर दें तो दैट इज मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू कि हमारा इंटरनल एम्प्लॉई हो। सर, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है सर। ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी होंगे, ड्रॉबैक्स भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चले लेट्स डिस्कस ऑडिट। पहले तो कंपैरिजन है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है और इंटरनल ऑडिट क्या है, ठीक है। तो एज फार एज द एक्सटर्नल ऑडिट इज कंसर्न, अ पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटिटी कैरिड आउट बाय थर्ड पार्टी ऑडिटर, जो कि किसी भी सूरत से एम्प्लॉय नहीं हो सकता, टू इंश्योर दैट दे हैव बीन प्रॉपरली मेंटेन्ड, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन हुए हों, एक्यूरेट हों, और एज पर द लीगल फ्रेमवर्क, अकाउंटेंसी फ्रेमवर्क की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बने हुए हों और ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। सही है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर यही काम करता है कि वो अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक करता है और जो भी स्टैंडर्ड्स और लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या लीगल जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं उसकी कंप्लायंस को चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर रही है। मतलब वो ये कह देगा कि जी अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं और एज पर IAS और IFRS के हिसाब से बने हुए और कंपनी ऑर्डिनेंस के हिसाब से बने, ठीक है। बट एज फार एज द इंटरनल ऑडिट इज कंसर्न, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी। अप्रेजल कहते ही उस चीज को है इवैल्यूएशन को, किसी भी चीज को अप्रेज करना। सो इंटरनल ऑडिट करता क्या होगा? मैनेजमेंट ने जो सिस्टम प्लेस की हुई ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें उन्हें अप्रेज करता होगा, सही है जी। एस्टैब्लिश विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सर्विस टू इट, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सर्विस टू इट का मतलब है कि इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा, बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ है। सही है। इट इज अ कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट इज इटसेल्फ अ कंट्रोल। हम इंटरनल कंट्रोल में पढ़ चुके ना, तो इंटरनल कंट्रोल में हमने पढ़ा था इंटरनल ऑडिट भी कंट्रोल का पार्ट है,
सही है, जी सर. विच फंक्शन बाय एग्जामिनिंग, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हो रही है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाय एग्जामिनिंग एंड इवेल्युएटिंग द एडिक्यूसी एंड अफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल, यानी कि एक ऐसा कंट्रोल है जो कि दूसरे कंट्रोल्स की एडिक्यूसी यानी कि अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स लगे हुए चाहिए और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इनको चेक करना उसका काम है, इवेल्युएट करना उसका काम है. इसका मतलब अंडरस्टूड बात हुई कि कंट्रोल डिसाइड करना, कंट्रोल ऑपरेशनल कंट्रोल लगाना, ये सब इंटरनल ऑडिट का काम नहीं. सही. अच्छा, अ मैनेजमेंट टूल विच एनालाइजेस द effectiveness of all parts of an entity. इसका मतलब इसका जो op, जो इसका focus है वो limited नहीं है, इसका बहुत ही wider किस्म का focus है, यानी कि organization के हर हिस्से के अंदर जो भी controls लगे हुए हैं उनकी controls और उनके operations को ये monitor करके evaluate करके आगे communicate करेगा. सही. ये हम types of audit के अंदर पढ़ेंगे कि IA के अंदर किस किस तरह का audit होता है, क्या इसकी जरूरत होती है. सही है. So difference clear? बिल्कुल सर. ये मैं थोड़ा सा डाउन द लाइन जाऊं तो ये एक डिफरेंस जहां से मैंने कॉपी किया हुआ है. इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट, रिपोर्ट किसको करते हैं? इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को, एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट करता है शेयर होल्डर्स को, रिपोर्ट वाइज डिफरेंस. ठीक है. इंटरनल ऑडिट अपॉइंट कौन करता है? ऑडिटर मैनेजमेंट अपॉइंट करती है. एक्सटर्नल ऑडिटर को एजीएम में शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं. इंटरनल ऑडिटर के पास जो पावर होती है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आती है. एक्सटर्नल ऑडिटर को जो पावर दी जाती है वो उसे लॉ देता है कि जी आपके पास ये राइट्स मौजूद है, ये आपकी ड्यूटीज है. इंटरनल ऑडिटर के पास जो राइट्स और ड्यूटीज होते हैं वो मैनेजमेंट की तरफ होते हैं. सही. इंटरनल ऑडिटर को इम्प्लॉय करती है कंपनी, लेकिन अगर आउटसोर्स हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस भी हो सकता है, यानी कि इंटरनल ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस भी हो सकता है, फॉर सर्विस भी हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कभी भी नहीं हो सकता, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस रहेगा. सही है. अच्छा, कवरेज यानी कि एरिया जो इंटरनल ऑडिट कवर करेगा. इंटरनल ऑडिट कवर्स ऑल कैटेगरीज ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्टिगेशन. क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में? सेपरेट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं, कोई जैसे फ्रॉड हो गया, ये हो गया, क्या ये उसका काम है? नहीं सर. वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए अगर उसे फ्रॉड दिखता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो फ्रॉड को आइडेंटिफाई करे और रिपोर्ट करे, लेकिन अगर उसे दिखा है तो फिर उसे रिपोर्ट तो करे. एम्प्लॉयड है यानी कि उसके वर्क के अंदर एम्प्लॉयड है कि अगर उसको कोई फ्रॉड वगैरह नजर आता है तो वो उसको अपने फंक्शन के अंदर उसको बताए कि जी कंपनी को ये प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट को बताए. सही है. अच्छा जी, तो एक्सटर्नल ऑडिटर इस वजह से क्या करता है? सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करता है. बिल्कुल. अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग दी ऑर्गेनाइजेशन, अ मेजर फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट. सही है. और एक्सटर्नल ऑडिट का ये मेजर फंक्शन नहीं है, वो आपको इंटीमेट कर देता है कि जी आपके सिस्टम में ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना ट्रू एंड फेयर व्यू के, इसकी वजह क्या है कि आपके इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है. तो वो रेकमेंडेशन एक दी जा सकती है मैनेजमेंट को कि जी आप अपने कंट्रोल्स ठीक कर लें, लेकिन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट इसलिए किया जाता है कि वो कंट्रोल को रेगुलरली इवैल्यूएट करके टॉप मैनेजमेंट को ये बता सके कि जी ये कंट्रोल में ये प्रॉब्लम्स है तो आप नए कंट्रोल इनिशिएट करें, वरना एरर्स हैं बढ़ते चले जाएंगे और आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने की कोशिश करें. सही. कोई सवाल? नहीं सर, अभी तक तो स्मूथ है. चले, factors affecting the need of internal audit. अब हमें पता है ना कि ये internal audit compulsory नहीं है तो इसकी evaluation कौन करेगा? Committee करेगी. Management, जी सर. Committee करेगी. Committee कौन सी committee करेगी? Board audit committee. Audit committee. सही है. तो अब internal auditor होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके factors very important. The scale, यानी के size of the business.
डाइवर्सिटी मतलब ऑपरेशन कितने हैं आपके, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज, रेंज ऑफ एक्टिविटीज, सही है, मतलब डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल एक्टिविटीज में डील कर रही है, लिमिटेड ऑप्शन है उसके पास, ज्योग्राफिकल स्प्रेड आउट हुआ हुआ है, बिजनेस टाइप्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, वॉट एवर जो भी है, साइज अल्टीमेटली इससे डिसाइड हो जाता है, ठीक है. इसको देख के आपको पता लगेगा कि इज देयर ए नीड टू इनकॉर्पोरेट, मसलन एक इंटरनेशनल बिजनेस है तो इंटरनेशनल बिजनेस को के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली डोमेस्टिक, क्योंकि अगर कंप्लायंस का इशू देख किया जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस को पॉलिटिकल इश्यूज का भी सामना होता है, और वहां की जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं इंटरनेशनल उसको प्रॉपरली देखना जरूरी होता है, वहां के लॉस को देखना जरूरी होता है, कल्चर के इश्यूज भी बहुत कॉमन अराइज होते जाते हैं, यानी कि रिस्क ज्यादा हो जाता है. जब स्केल डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी तो रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा तो आईए होना चाहिए. सही. सिमिलरली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से इसकी कनेक्टिविटी कैसे बनती है, सर जब ज्यादा होंगे, यानी कि अगर बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं आपकी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें साइज ऑफ द एम्प्लॉइज 30,000-40,000 एम्प्लॉइज आपने रखे हुए, तो 50,000 एम्प्लॉइज आपके पास हैं, तो अब आपको इसलिए जरूरत होगी कि मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा होती है उसमें, फ्रॉड का एलिमेंट ज्यादा होता है, आपका पेरोल ही इतना बड़ा होता है, अगर पेरोल में कोई आगे पीछे कर दे तो सिग्निफिकेंट अमाउंट हिट होता है, आपकी पेंशन फंड्स 30,000-35,000 एम्प्लॉय का पेंशन फंड इज अ ह्यूज थिंग, उसको मिसयूज कर सकते हैं डायरेक्टर्स, सही है. तो एज अ रिजल्ट जो है वो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन होना चाहिए ताकि उसमें जो प्रॉब्लम्स हो उसको एड्रेस किया जा सके. सही. तीसरी चीज, जब आपको आईए फंक्शन इंट्रोड्यूस करना हो तो आप इवेल्युएट कर लें कि आईए के फायदे कितने हैं और आईए की कॉस्ट कितनी लगेगी. अगर आपको लगता है कि आईए के फायदे ज्यादा हैं और कॉस्ट कम है, बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो हमें हर वो काम करना चाहिए जिसमें बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट. सही. हम सिंपली वो फंक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सही है जी. सही, बिल्कुल. अच्छा जी, नेक्स्ट, चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग प्रोसेसेस और अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रीऑर्गेनाइजेशन की, कोई मॉडिफिकेशन की जिससे ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल लेयर्स बढ़ा दी, सही है, लेयर्स बना दी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ड्यूल कर दिया, मल्टीपल उसके अंदर कम्युनिकेशन लिंक्स क्रिएट कर दिए, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, सही है जी. और तो अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है तो नाउ देयर इज अ नीड फॉर इंटरनल ऑडिट. चेंजेस इन द की रिस्क कुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल इन नेचर. आपके या तो इंटरनल रिस्क ज्यादा होते जा रहे हैं या आपके एक्सटर्नल रिस्क बढ़ते चले जा रहे हैं. तो अगर आपके इंटरनल रिस्क बढ़ते चले जा रहे हैं या एक्सटर्नल रिस्क, ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, इंटरनल एक्सटर्नल, सही है, और एक और दो पर्सपेक्टिव और थे उसके, क्या थे यार, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव. जी जी बिल्कुल सही है ना. तो हम अगर एक्सटर्नल एक व्यू हमने लिया, एक एक्सटर्नल एनालिसिस लिया, हमने कहा मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, सही है, और हम इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, हम नई कंट्री में मूव कर रहे हैं, तो रिस्क एक्सटर्नली चेंज हो रहे होंगे, हमारी इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, इंटरनल रिस्क चेंज हो रहे होंगे, तो अब दाउ देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस अ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. सही है. अच्छा, फिर अगर एक्सटर्नल ऑडिटर आपको बताए, मतलब 2 या 3 साल हो गए आपके जो रिपोर्ट है एक्सटर्नल ऑडिटर की, उसके अंदर जो ना वो गड़बड़ निकल रही, पर एक्सटर्नल ऑडिटर बार बार रेकमेंड कर रहा है कि जी कंट्रोल ठीक नहीं है, आप अपने कंट्रोल्स को इम्प्रूव करें, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा आईए फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाने का, कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल सिस्टम को कोई रेफर नहीं कर रहा कि ये ठीक है या नहीं, वहाँ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट तक जा नहीं रही है, मैनेजमेंट इंटरेस्ट ही नहीं ले रही प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने. इम्प्लीमेंटेशन का फेस सही नहीं है. सही है, यानी कि ऑपरेशनल मैनेजर जो इम्प्लीमेंट करते हैं अल्टीमेटली कंट्रोल, वो सही तरह से कंट्रोल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे. जी सही है. एन इंक्रीज नंबर ऑफ अनएक्सप्लेन्ड और अनएक्सेप्टेबल इवेंट्स. अब इसमें क्या एग्जांपल हो सकती है,
अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स यानी कि उसको कोई रीजन नहीं दे पा रहे हम, और अनएक्सेप्टेबल इवेंट्स ये तो हमारी टॉलरेंस लेवल से बाहर है, जैसे बार बार फ्रॉड होना, सही है, कोई डिस्क्रिपेंसी आना फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, उसका कोई जवाब ना हो डायरेक्टर के पास, सही है। तो अगर अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है और ऊपर दिए गए फैक्टर में से कुछ फैक्टर्स मटेरियलाइज हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन को जो ना इनिशिएट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अगर सवाल में दिया हुआ हो कि एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके पास कंपलसरी एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? नहीं है सर, रॉन्ग wrong है। सही है। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस करवा रही है ऑर्गेनाइजेशन, फिर होना चाहिए नहीं होना सर? मतलब आप स्टैट्यूटरी पूछ रहे हैं कि होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इंटरनल ऑडिट स्टैट्यूटरी तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना, तो हमें पता है। हाँ, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, मतलब अगर ई कॉमर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो क्या करवाना चाहिए सर? ई कॉमर्स एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो उसमें तो इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो होना चाहिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दराज की बात करें, उसका पूरा बिजनेस ही ई कॉमर्स पर है, इतना ह्यूज है, इतने सारे सप्लायर, इतने सारे ऑर्डर्स, इतनी बड़ी इन्वेंटरी। यानी कि हमने तो थोड़ी देर पहले बात की थी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह जितने ज्यादा होते हैं तो अब रिस्क बढ़ गया ना ई कॉमर्स में, कोलैप्स का रिस्क, हैकिंग का रिस्क। बिल्कुल सर, हैकिंग। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, मेजॉरिटी फैमिली मेंबर्स जो ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है सर कि इंटरनल ऑडिट हो। चाहिए शेयर होल्डर्स की मर्जी पे ऊपर, शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि आईए डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो सर फिर तो होना चाहिए। लेकिन क्या इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर सर मर्जी के ऊपर बनाएंगे? सर अगर ज्यादातर शेयर होल्डर्स यही चाह रहे हैं कि उन्हें डाउट है किसी वजह से कि यार आपके ऑपरेशन शायद ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं हो रहे, तो नहीं, विश सर की फिर बात, विश की बात कर लेते हैं। डाउट तो डाउट पे तो फिर वो हमारे सारे पॉइंट मटेरियलाइज हो जाएंगे ना, विश के ऊपर बात करें। हां, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कंपनी में भी आईए फंक्शन होना चाहिए। नहीं सर, ये तो फिर आप फैशन वाली बात होगी ना, तो नहीं, ये तो एक वैलिड रीजन नहीं है। ये एक एग्जांपल दी हुई थी बुक के अंदर, तो मैंने उसके कुछ पॉइंट्स इनसे पूछ लिए, यू आर राइट इन ऑल द पॉइंट्स, सही है। मे बी तुमने हो सकता पहले से पढ़ी हुई हो एग्जांपल। हां सर, थोड़ा सा ये पढ़ा हुआ है। सही है, सही है, चलो अच्छा रिकॉल हो जाता है। जी सर, चले जी। अच्छा जी, तो आ गए असाइनमेंट्स, तो अभी तो असाइनमेंट्स पे नहीं चलते हम, असाइनमेंट्स टू अर्ली। तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क जो है ना, एक एक्सटर्नल ऑडिट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑडिट रिस्क, कि ऑडिटर पहले ये इवैल्यूएट करता है कि जिस भी क्लाइंट का वो ऑडिट कर रहा है उस क्लाइंट के बिजनेस के अंदर कितना रिस्क मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं ऑडिट रिस्क इवैल्यूएट किया जाता है। ऑडिट रिस्क जब वो इवैल्यूएट करता है तो ऑडिट रिस्क के अंदर आपका आ जाता है एक इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि जो जिस क्लाइंट को ना वो ऑडिट कर रहे हैं उस क्लाइंट के सिस्टम में रिस्क इनकॉर्पोरेटेड है, बिल्ट इन है, या किसी कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं यार तो रिस्क होगा ही होगा, मौजूद ही होगा। अच्छा, सही है। तो इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन ये है कि एन एरर इज मेड इन द फर्स्ट प्लेस बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ एनी कंट्रोल ऑफ चेक्स, यानी कि ये समझ अंडरस्टूड बात है कि हम कहते हैं ना कि यार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पर तो रिस्क होना ही होना है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑडिट करना चाहे वहां मसले मसाइल ना निकले, हाउ इज पॉसिबल, सही है। तो ये जो इनहेरेंट रिस्क है ये इंक्रीज हो जाते हैं इन फैक्टर्स की वजह से, इस पे बात कर लेते हैं। इनएक्सपीरियंस स्टाफ अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके प्रॉब्लम ज्यादा होंगे, कंट्रोल फेलियर ज्यादा होंगे, मिसमैनेजमेंट ज्यादा होगी अगर इनएक्सपीरियंस स्टाफ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सही।
दूसरा टाइम प्रेशर, अगर आपके ऑर्डर्स फुलफिलमेंट में या किसी भी आपका जो काम है प्रोसेसेस है उसमें आप टाइम बाउंडेड काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप शिपमेंट वगैरह भेजते हैं, जैसे आजकल दराज के साथ चल रहा है नेगेटिविटी कि दराज बता कुछ और रहा है, दे कुछ और रहा है, तो अचानक से बाज दफा जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्पीड में जा रही होती है, उसके वो बढ़ रहे होते हैं, चीजें बढ़ रही होती हैं, तो अल्टीमेटली उसमें फेलियर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो टाइम प्रेशर में काम कर रहे होते हैं. इसके अलावा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका नेचर ऑफ वर्क कॉम्प्लेक्स है उनमें जो है वो रिस्क इनकॉर्पोरेटेड होता है. जैसे अब नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, सही है, इनकी ये नेचर ऑफ वर्क इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये रेगुलेटरी प्रेशर में हमेशा रहते हैं, कंप्लायंस के इश्यूज इनके साथ बहुत ज्यादा रहते हैं. या वो ऑर्गेनाइजेशन जो और किसी रेस्पेक्ट से आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में डालते हैं, इसमें जो इनके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट होता है, तो वो इनहेरेंट रिस्क कैरी कर रहे होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ज्यादा होता है. और ये ऑडिटर को पता होता है ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कि वो जहां का ऑडिट करने जा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली ही मसले मसाइल का शिकार आपको मिलेंगे. सही सही, यानी कि एक खातून से आपकी शादी होने वाली है और उनकी अम्मा बहुत तेज है, तो समझ जाए आप कि आपको स्टार्ट के अंदर ही जो टफ टाइम मिलने वाला है. सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है. अच्छा जी, डन है. और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का को आप डील करने जा रहे हैं जहां पर हाई डिग्री ऑफ एस्टिमेशन की जरूरत होती है. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह में बार बार एस्टिमेशंस, जैसा कि ऑयल एंड गैस के अंदर ये मसले रहते हैं एस्टिमेशंस में, तो प्रोविजंस वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं. अब जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो डील कर रहे होते हैं वो प्रोविजन फॉर वारंटी का बहुत सारा ले रहे होते हैं, तो आपको IS 37 में बड़े ब्लंडर नजर आएंगे. आप IS 37 को अगर ऑफिशियली डेप्थ में जाके देखें तो एक जगह पे जाकर IS 37 कहता है कि अगर आपको प्रोविजन बनाना है ना तो प्रोविजन तो होता ही अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट. बिल्कुल, तो अनसर्टेनिटी में तो हम अकाउंटिंग नहीं कर पा रहे, तो प्रोविजन को वेरीफाई कैसे करेगा ऑडिटर? अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, तो अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट है तो अब तो ये मैनेजमेंट के पास तो टूल आ गया. अब मैनेजमेंट को कहा जा रहा है अब एस्टिमेट करें. तो IS 37 के अंदर तुमने पढ़ा होगा पास्ट में, एक होता है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इवेंट्स और एक होता है वन ऑफ इवेंट. अब इसका जब वो बात करेगा तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इवेंट्स के अंदर प्रोबेबिलिटीज की जरूरत पड़ती है और प्रोबेबिलिटीज में सब्जेक्टिविटी आती है, और वन ऑफ इवेंट के अंदर वो प्रोबेबिलिटी को भी नहीं मानते. इसका मतलब यहां पर हाई डिग्री ऑफ एस्टिमेशन की इन्वॉल्वमेंट. सही है, यहां गड़बड़ होने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा है, इनहेरेंट बात है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मसले ज्यादा होंगे, ऑडिटर को टफ टाइम मिलेगा. या फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और आईएएस इसके साथ कनेक्ट करूं, IS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, तो जो एम्प्लॉय बेनिफिट का आईएएस है वो वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो आपकी पेंशन की अकाउंटिंग करता है, और जब वो आपकी पेंशन की अकाउंटिंग करता है तो 20-20, 25-25, 30-30 साल एम्प्लॉयज के पेंशन का अमाउंट की ऑडिट की जाती है, उसकी अकाउंटिंग की जाती है. सही है, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन कितनी होगी जो आपके बिहाफ पे जमा हो रहा है. यू आर लायबल टू पे टू योर एम्प्लॉय, 25-25 साल के आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है. उसके अंदर लेवल ऑफ प्रिसिशन चाहिए होता है कि आपकी एस्टिमेशन जो ना, आप बेसिकली क्या करते हैं, आप कहते हैं कि इतने एम्प्लॉयज होंगे, इतने छोड़ के चले जाएंगे, इतने आएंगे, इतने जाएंगे, तो उसके अंदर तो गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है ऑटोमेटिकली. अगर आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की एस्टिमेशन आगे पीछे कर दी तो आप तो लायबिलिटी को कहीं भी पहुंचा सकते हैं. तो ऑडिटर शुड बी कॉशियस, राइट? जब ऐसी कंपनी में जाएगा तो ऑडिटर शुड बी कॉशियस. सिमिलरली अगर हम चले जाएं IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर, जी सर, तो वहां पर जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शंस अल्टीमेटली बहुत सारे केसेस के अंदर वो ऑप्शंस कहीं किसी मार्केट में ट्रेड ही नहीं होते, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन बहुत ट्रिकी होती है, उसमें भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है. यानी कि हम बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पर ऑडिटर को ये सारी सब्जेक्टिविटी नेचर ऑफ बिजनेस से पता लग जाता है. सही है,
या फिर जहां पर उन ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेशर होता है अच्छा परफॉर्म करने का, डायरेक्टर फंसे हुए होते हैं, डायरेक्टर को कहा जाता है जैसे पीआई है, पीआई जो भी नई मैनेजमेंट आएगी उसके ऊपर ये प्रेशर हो ना लॉसेस से बाहर निकालना है जी, लॉसेस से बाहर निकालने में बाज दफा जेन्युइन तरीके से भी बाहर निकल सकती है मैनेजमेंट, और बाज दफा मैनेजमेंट विल ट्राई के ऑटोमेटिकली घपले मारो और किसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना के देखो, तो वो आके जो ना वो जो भी उनका रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह के प्लान्स है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन लुक्स गुड, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रेशर ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की ट्रैक हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो वहां पर ऑडिटर को एक साय ऑफ रिलीफ होगा कि यार यहाँ पर गड़बड़ के चांसेस नजर नहीं आते, मैनेजमेंट क्यों जानबूझ के जो ना रिजल्ट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगी, मैनेजमेंट रिजल्ट अच्छे हैं। सही है, ठीक है। तो बेसिकली जो कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग बिजनेसेस होंगे उन लॉस मेकिंग बिजनेस के अंदर ये एलिमेंट हमें ज्यादा नजर आएगा, ज्यादा होगा बिल्कुल। सही है, ठीक है सर। अच्छा जी, आगे बढ़े जी। फिर इसका कनेक्टेड पार्ट है आपका, आपका ऑडिट रिस्क जो है वो उसके फर्दर दो फैक्टर्स हो गए, एक हो गया कंट्रोल रिस्क और एक हुआ डिटेक्शन रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? दिस इज द रिस्क दैट द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल डज नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट द एरर। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो वीक है, प्रॉपर नहीं है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है फिर तो ये डिजास्टर हो जाएगा। बिल्कुल। और इवन अगर इनहेरेंट रिस्क कम भी है तो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर वीक है, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं, अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है तो अल्टीमेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगा। सही सही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, अ जूनियर एम्प्लॉय माइट हैव कमिटेड एन एरर, ये तो कर सकता है, ये तो इनहेरेंट रिस्क है, क्या आपका स्टाफ ट्रेन नहीं है प्रॉपर, ये तो इनहेरेंट रिस्क हो गया। लेकिन अ गुड सुपरविजन एंड चेकिंग ऑफ दैट पर्सन वर्क शुड डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर। लेकिन अगर आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में सुपरविजन ही नहीं है प्रॉपर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक तो इनहेरेंट रिस्क मौजूद है ऊपर से आपका कंट्रोल रिस्क अच्छा नहीं है। सही है, सही। अब ये दोनों चीजें देखकर, इनहेरेंट रिस्क देखकर और कंट्रोल रिस्क देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि ऑडिटर को कितनी एफर्ट करनी है। तुम्हें पता होगा ऑडिट सैंपल साइज देखकर होता है। जी सर बिल्कुल। तो क्या ऐसा होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर सैंपल देखता हो, इंटरनल ऑडिटर हर चीज देखता हो, एक एक लाइन एक एक चीज, या इंटरनल ऑडिटर सैंपल पे चलता है? वो भी सैंपल पे चलता है। तो उनकी सैंपलिंग में कोई फर्क होता है? सर हो सकता है फर्क। अब जैसे एक रीजन ये है कि वो तो एम्प्लॉय है, वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं आता, वो तो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन उसको काम करने है, वो तो एम्प्लॉय है, वो तो जब चाहे जिस जगह जाए एंट्री मार सकता है दबंग तरीके से। एक्सटर्नल ऑडिटर तो को तो इतनी प्रिविलेज नहीं है ना कि हर वक्त उसकी क्लाइंट की विजिट्स हो, हर वक्त वहां पर स्टाफ मौजूद हो, हर वक्त आप चेक एंड बैलेंस करते रहें। तो बीइंग एन एम्प्लॉय उसका जो कंट्रोल एलिमेंट है सुपरविजन वाला, या उसका जो ऊपर थ्रेट है, उसका जो फोर्स करता है दूसरे एम्प्लॉयज को कि यार या आईए मौजूद है, तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कंट्रोल है ना। सही है, इसका मतलब है उसकी थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू होता है। सही है, सही है। अच्छा, डिटेक्शन रिस्क जो है, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड दिस रेफर्स टू वर्क द ऑडिटर डज इफ द ऑडिटर परफॉर्म अ लॉट ऑफ वर्क। सही है, डिटेक्शन रिस्क विल बी लो एज देयर इज अ गुड चांस दैट द ऑडिट वर्क डिटेक्ट द प्रॉब्लम। इफ द ऑडिटर डज रिलेटिवली लिटिल वर्क देन द चांस ऑफ पिकिंग अप एन एरर विल बी लो। सही, तो ये अल्टीमेटली ऊपर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क से आगे डिसाइड होता है कि ऑडिटर का काम कितना है। सही है, ऑडिटर को कितना काम करना है और कहाँ ऑडिटर कम काम करेगा। सही है, इन ऑर्गेनाइज़ अब ऑडिटर डिसाइड करेगा यार किस ऑर्गेनाइजेशन पे मुझे अपने ट्रेनी को ज्यादा लगा के रखना है, कहाँ मुझे स्टॉक के ऊपर ज्यादा एफर्ट मारनी है, कहाँ मुझे रिसीवेबल्स पे ज्यादा एफर्ट मारनी है, कहाँ मुझे जो ना फॉर एग्जाम्पल जैसे एजिंग एनालिसिस है, ठीक है जी, आपने ऑडिटर को एज एनालिसिस दिया, ऑडिटर को एज एनालिसिस से लगता है कि यार इसके डेटर्स में गड़बड़ है, तो ऑडिटर ऑब्वियसली एज एनालिसिस पे ज्यादा
फोकस करेगा तो वहां पर उसका जो वर्क है जब ज्यादा हो जाएगा तो वहां एरर होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. सही है. बाद दफा क्या होता है कि इंटरनल ऑडिट के वर्क को देखकर एक्सटर्नल ऑडिटर समझता है कि जी मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है वो डिटेक्शन रिस्क के अंदर भी चीजें पकड़ में नहीं आती. अच्छा. क्योंकि वो तो इस बात पे डिपेंड करता है ना उसने काम कितना किया, नेचर ऑफ वर्क कैसा है. अगर नेचर ऑफ वर्क वर्क ही इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है तो ऑडिटर का फिर काम भी बढ़ जाना चाहिए. सही है. सही. अब नाउ डिटेक्शन ऑडिटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कितनी एबिलिटी है उसकी डिटेक्ट करने की, क्लाइंट के सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले मसाइल हैं, वो डिटेक्ट करने की जो एबिलिटी है ऑडिट की, ऑडिट सिस्टम की, चाहे इंटरनल ऑडिट हो या एक्सटर्नल ऑडिट हो, ये किस बात पे डिपेंड करती है? ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी सैम्पलिंग कैसी है, ऑडिट सैम्पलिंग. सही. तो ऑडिटर बेसिकली क्या करता है, सैम्पलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप एक लार्ज पूल में से ना कुछ चीजें ले लें रादर देन 100% चीजें लें, सिमिलर साइज चीजें ले लें. और अगर आपको सिमिलर साइज के ऊपर कंक्लूजन करना है, अगर आपका सिमिलर साइज पे कंक्लूजन ये है कि एवरीथिंग इज फाइन, तो ओवरऑल पे कंक्लूजन क्या होगा? एवरीथिंग इज फाइन. आओ, तो ये तो भी बड़ा फजूल किस्म का सिस्टम नहीं है. लेकिन ये इनहेरेंट लिमिटेशन है. सही है. इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है ऑडिट फंक्शन की? एक सेकेंड यार, जस्ट होल्ड. जी सर. ये जो है ना इनहेरेंट लिमिटेशन है, ऑडिटर एक एक आर्टिकल एक एक चीज देख नहीं सकता, तो उसे अपना सैंपल साइज जो ना कंस्ट्रक्ट तो करना है. सही है. बिल्कुल. तो अब अल्टीमेटली फिर वो एक्सटर्नल ऑडिटर के मसले होते हैं कि जी पॉपुलेशन और सैंपलिंग में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, टाइप ऑफ सैंपल्स कैसे होने चाहिए, वो हमारे सिलेबस में नहीं. ओके. हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना सा पार्ट है कि सैंपलिंग रिस्क क्या होता है. ठीक है. सैंपलिंग रिस्क, इफ अ सैंपल इज टू स्मॉल देन एरर माइट नॉट बी फाउंड, दिस रिस्क इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज. सैंपलिंग रिस्क तो ये हो गया कि आपका सैंपल साइज जो है ना वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि आपका जो डिटेक्शन रिस्क है वो ये डिटेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा. अगर आप साइज ऑफ सैंपल्स बढ़ा दें तो आपका डिटेक्शन रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, अगर आप साइज ऑफ सैंपल कम कर दें तो आपका डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा. मतलब इसको ऑल इन ऑल खत्म नहीं कर सकते ना? बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते. हाँ, वरना तो पूरी पॉपुलेशन ही करनी पड़ जाएगी फिर. हाँ बिल्कुल, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है. सही है. अच्छा, अब डिटेक्शन रिस्क में ना, डिटेक्शन रिस्क में मसलन मैं ना जो एक बंदा है वो बैंक के दरवाजे पे खड़ा होकर ना बाहर से आने वालों को चेक कर रहा है. सही है. उसके हाथ में डिटेक्टर है और वो बंदा दो टूल्स है ना भाई, डिटेक्टर है तो साथ बंदा भी तो ऑब्जर्वेशन करता है ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मशकूक है नहीं है. अब डिटेक्टर भी खराब है और बंदा भी खतून है. अच्छा, तो डिटेक्शन रिस्क मल्टीप्लाई हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. इसी तरह अगर आपका सैंपलिंग का भी प्रॉब्लम है और ऑडिटर का जो अपना स्टाफ है या ऑडिट का जो पूरा सिस्टम है वो भी खराब है, तो दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो गई, डिटेक्शन रिस्क को इंक्रीज कर देंगे. सही है. तो नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? ऑडिटर्स आर टू इनएक्सपीरियंस इन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स. सही है. इंटरप्रिटेशन के मसले. सही है. और जिसकी वजह से आपका सैंपल भी था, सब कुछ था, लेकिन आप अल्टीमेटली एरर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे. तो ऊपर हम बात कर रहे थे, कि वो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना, दिस इज अवॉइडेबल. बिल्कुल. क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपीरियंस स्टाफ रखें, अगर आपका एक्सपीरियंस स्टाफ होगा तो ये मसला खत्म हो जाएगा. सही है. सही. तो ये ओवरऑल रिस्क के ऊपर बात हो गई कि हमारे पास इनहेरेंट रिस्क है, हमारे पास कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है, और डिटेक्शन रिस्क में हमारे पास सैंपलिंग रिस्क है और नॉन सैंपलिंग. सही सवाल बन, ठीक हो गया सर. अच्छा एरिया ये सवाल बनाने के लिए. सही है. अब आ जाए इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट.
The internal auditors should be independent of executive management. यानी कि management internal audit function को override ना करे, dictate ना करे. So the head of internal auditor should report directly to a senior director. इसका मतलब अगर ये head of internal audit directly किसी senior director को report करता है तो इसका मतलब ये बाकी मैनेजमेंट को बाईपास कर रहा है. सही. इसके पास इतना राइट मौजूद है कि कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता. ये किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा. सो ऑब्जेक्टिविटी अचीव हो जाएगी, इंडिपेंडेंस अचीव हो जाएगा. सही है. और मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट मैनेजमेंट के पास राइट नहीं है कि मैनेजमेंट जो है ना वो इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट कर सके. सही है. चाहिए नहीं, मैनेजमेंट के पास तो राइट है कि वो इंटरनल ऑडिट, हाँ इसके पास राइट है, लेकिन ऑडिट कमेटी जो है ना वो अप्रूव करेगी अपॉइंटमेंट को और टर्मिनेशन को. ओके. हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के. तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट अपनी मर्जी का बंदा लाना चाहेगी तो पॉसिबल नहीं है. जब तक ऑडिट कमेटी में जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव अगर चाहें कि हमारी मर्जी का आईए हेड लग जाए तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है. सही. ऑडिट कमेटी के पास एक इंडिपेंडेंट व्यू होगा उसका, और जब वो इंडिपेंडेंट व्यू होगा तो इंडिपेंडेंस बढ़ जाएगी. ठीक है सर. एक सवाल है. बोले सर, ये यहाँ लिखा है कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शुड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द सीनियर डायरेक्टर. सर ये ऑल इन ऑल तो आंसरेबल टू द ऑडिट कमेटी है. लेकिन तो ये ना एक्सेप्शन नहीं होती और ऑफ करके और नॉन. तो ये सीनियर डायरेक्टर को भी डायरेक्टली जो ना ऑडिट कमेटी को हटाकर ये सीनियर डायरेक्टर को भी रिपोर्ट कर सकते. ये नॉन एग्जीक्यूटिव है. Seems to me non-executive, क्योंकि executive की यहाँ पर involvement बनती नहीं. अगर executive को भेजेंगे तो फायदा क्या होगा? बिल्कुल. क्योंकि हम executive से जान छुड़ाने के लिए तो audit पे आए. अगर executive के साथ relationship है इसके, तो फिर कैसे बात बनेगी? सही है. लेकिन ये independent senior होना चाहिए ना. ये और इंडिपेंडेंट सीनियर होगा तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव तरफ रेफर कर रहा. इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज मेंटेन. छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो डिपार्टमेंट नहीं होता, दो तीन लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक टीम की फॉर्म में. और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर इंटरनल ऑडिट को एज अ फंक्शन रखा जाता है सेपरेट. हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शुड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरमैन. वो चाहे तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है चेयरमैन को, ऑडिट कमेटी को एक्सेस कर सकता है, एंड अकाउंटेबल टू ऑडिट कमेटी. अब ऊपर फर्क आ गया. रिपोर्ट किसको करेगा? सीनियर डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा. और अकाउंटेबल किसको होगा? ऑडिट कमेटी को. अब ऑडिट कमेटी की समझ में नहीं आ रहा, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट या उसकी इंडिपेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है या मैनेजमेंट के साथ उसके रिलेशनशिप हो रहे हैं, तो वो उसकी टर्मिनेशन अप्रूव करेगा कि जी इसको हटाएं. सही है सर. एक केस है सर यहाँ पे, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको. जी सर. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल सर, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक रोटेशन पॉलिसी होती है एम्प्लॉय की, कि वो फॉर एग्जांपल हर 3 इयर्स में एक एम्प्लॉय को रोटेट करना है. अब इंटरनल ऑडिटर हिमसेल्फ इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो ये उस पर भी लागू होता है. ठीक है सर. अब वो फॉर एग्जाम्पल किसी डिपार्टमेंट में ऑडिट करने जाता है और उसे पता चलता है कि यार वहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो उस क्लाइंट डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो उसको थ्रेटन करता है ये बोल के कि भाई कल को तुम मेरे पास भी आ सकते हो, या कल को मैं तुम्हारा बॉस भी बन सकता हूँ, तो आंखें बंद करना सीखो. अब फॉर एग्जाम्पल सर, अगर ऐसी सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ तो इंटरनल ऑडिट की बल्कि उस ऑडिटर की तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गई. बिल्कुल हो सकता. देखे ना, हम पत्थर पे लकीर तो नहीं है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन जो ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है. इंटरनल ऑडिट के आने के बाद एक्सटर्नल ऑडिट का ओपिनियन में आपको रिपोर्ट में फिर भी गड़बड़े नजर आते हैं. उसकी वजह क्या होगी?
तो सर इसका यहाँ मतलब है एचआर प्रॉपरली की, प्रॉपरली ना प्रॉपरली उसकी ऑडिट इंडिपेंडेंस नहीं है। हाँ ये तो बड़ा आसानी के यानी साथ नहीं कम, हो सकता कि आपने आउटसोर्स, मैनेजमेंट ने कहा, मैनेजमेंट ने रेकमेंडेशन दी कि आप इसे आउटसोर्स करते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं, या हमें ये थ्रेट है जो तुम बता रहे हो कि ये ऐसा हो सकता है। तो जिसको कहते हैं ना, अभी हम आगे जाके एथिक्स पढ़ेंगे तो उस पर थ्रेट होते हैं, सही है, कि हमें ये लगता है नहीं ये तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एथिक्स के ऊपर। तो हमने कहा भाई हम तो एम्प्लॉय नहीं अपॉइंट करना चाहते, हमारे पास बैड एक्सपीरियंसेस है। तो हमने कहा जी हम आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्सिंग में आपके रिलेशनशिप निकल आए, आपने आउटसोर्स उसको दे दिया जो 4 साल पहले आपका एक्सटर्नल ऑडिटर था, बिल्कुल. वो इंटरनल ऑडिटर बन गया, उसके रिलेशनशिप थे, उसने आप पकड़ना ही नहीं आपको। बाद में एक्सटर्नल ऑडिटर पकड़ के कह रहा है कि जी आपके तो इंटरनल कंट्रोल में फेलियर आ रहा है। अब इंटरनल ऑडिट के होते हुए अगर फेलियर पकड़ा जाएगा तो मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी कहेगी भाई टर्मिनेट करो उसको, इंटरनल ऑडिट हेड को। ये तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है जो तुम पॉइंट बता रहे मतलब हो। सर ये तो एचआर पॉलिसीज भी जो है वो भी इससे रिलेटेड होती हैं, इंटरनल ऑडिट से. फॉर एग्जांपल अब यही जो ये क्यों हो रहा है सर, इसी वजह से हो रहा है, एचआर पॉलिसी ऐसी बनी हुई है कि भाई आपने रोटेट करना है तो आपने इंटरनल ऑडिट को भी उसमें अगर रोटेट करना ही है तो सर कहीं से भी उसके इंडिपेंडेंस लिए तो तो नहीं हाँ रहेगी, उसके लिए तो आपकी एचआर पॉलिसी भी उनके लिए सेपरेट होनी चाहिए, उनकी सेपरेट होनी चाहिए. उनके सेपरेट होनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। उसको ऐसा रखा जाए ठीक या है. ऑर्गेनाइजेशन का एक खास हिस्सा है जिसके ऊपर जो ना नॉर्मल रूल्स नहीं लगेंगे, और अगर आपको नॉर्मल रूल्स लगाने भी है ना तो आप ऑडिट कमेटी से कंसल्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी हटा देंगे और ये कर देंगे, सही लेकिन टॉप मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट तो नीचे वाले ही भेजते हैं ना, इमीडिएट जी. बॉस भेजेगा ना, डिपार्टमेंटल हेड भेजेगा, बोले भाई ये तो मसले मसाइल इस बंदे के साथ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ये वो करके। तो ऊपर वाले तो यही देखेंगे ना, वो कहाँ नीचे देख रहे होते हैं, उनको क्या पता डे टू डे एक्टिविटीज में क्या हो रहा सही, है। तो बिल्कुल सही. कहीं ना कहीं ऑडिट कमेटी आईए हेड पे रिलाई कर रही होती है, और अगर आईए हेड अपनी इंडिपेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज करेगा तो गए सब, सारा सिस्टम कोलैप्स। सही ठीक सही है, सर. नेक्स्ट डिस्कशन हमारी, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडे, आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। आउटसोर्सिंग करने के फायदे, आउटसोर्सिंग अल्टीमेटली आजकल ट्रेंड चल रहा है आउटसोर्सिंग का, सही है, हर चीज आउटसोर्स हो रही है। और आउटसोर्सिंग की ये क्या क्या कर ली जाती है कि जी एक्सपर्टीज ज्यादा होती हैं, कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा होते हैं, कॉस्ट कम होती है। लेकिन यहाँ पर आउटसोर्सिंग का एक अल्टीमेटली ये रीजन बनाया जा सकता है कि इंडिपेंडेंस जो ना आउटसोर्सिंग कंपनी की ज्यादा होती है, एक्सपर्टीज आउटसोर्सिंग कंपनी की ज्यादा होती है, सही है। तो बिल्कुल. देख लेते हैं कुछ बेनिफिट्स। हमें रिक्रूट नहीं करना पड़ेगा, स्टाफ नहीं रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना आपको जैसे जैसे आपके सिस्टम में रिस्क बढ़ते चले जाएंगे, आपके कंट्रोल्स आउटडेटेड होते जाएंगे, और आईए डिपार्टमेंट को भी तो सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए ना उनकी, उनके लिए भी सही. आप, वरना वो कहेंगे जी हम वी आर नॉट इक्विप्ड, सही है, नए नए रिस्क आए, हम इक्विप नहीं थे, इस वजह से हम डिटेक्ट नहीं कर सके उसको, या बता नहीं सके कि कंट्रोल फेलियर क्यों हुआ। सही है, स्पेशलिस्ट सही. सर्विस विल बी अवेलेबल, एक्सपर्ट ओपिनियन, फ्लेक्सिबिलिटी टू कैरी आउट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अर्जेंट। हम असल में आपकी वेबसाइट किसी ने हैक कर ली और आपको अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो ना इवेल्युएट करना है कि ये कैसे हुआ, कोई फ्रॉड आ गया, अर्जेंट बेसिस पे करना है। आपके एम्प्लॉयज होंगे, वो कहेंगे जी हमारे पास तो दो बंदे हैं, दोनों ऑक्यूपाइड हैं, तीन बंदे हैं ऑक्यूपाइड हैं, अभी जो है ना बंदा कहीं गया हुआ है, वो छुट्टियों के ऊपर है, नहीं हो सकती, तो मसले मसाइल ज्यादा आएंगे। ठीक है, क्विकर सही. टू सेटअप इनिशियली। अब नई ऑर्गेनाइजेशन आई ए फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाने जाएगी तो जल्दी सेटअप नहीं बन सकता, लाजमी बात है टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, हायर करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सही है। और पांचवा बेनिफिट, ग्रेटर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी, सही. सही है, इंडिपेंडेंस ही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अगर ये हमें बेनिफिट अल्टीमेटली मिल रहा है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, तो फिर आउटसोर्सिंग इज अ बेटर एडवांटेज। ठीक डिसएडवांटेज, है सर. लेस नॉलेज एंड एक्सपर्टीज अबाउट द बिजनेस। उसका अपना बिल्कुल. बिजनेस, बिजनेस में अगर वो एम्प्लॉय होता, अगर एम्प्लॉय होता वो बिजनेस के अंदर, तो अल्टीमेटली वो बिजनेस के एक एक स्टेप के बारे में जानता होगा,
जी सर, वायबल रिकमेंडेशन तो होती है। हाँ, वो अगर वो बाहर वाला होगा ना तो वो भी ऐसा ही होगा जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर को कम पता होता है तो इंटरनल ऑडिटर को भी कम पता होगा। कॉस्ट मस्ट बी हाई, जो भी बाहर से कोई बंदा आप हायर करेंगे तो चार्जेस भी ज्यादा लेगा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, जिसकी बेसिस पर आउटसोर्सिंग मना की जाती है। देर कैन बी एथिकल इम्प्लीकेशन इफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर यूज्ड इन एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन। यहाँ ये पॉइंट तो किसी भी सूरत वैलिड बनता ही नहीं है कि आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वही इंटरनल ऑडिटर हो। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेरे नजदीक वो ये है कि आपका कोई पास्ट एक्सटर्नल ऑडिटर है और उसको आप एज एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन के तौर पर आप इस्तेमाल करें, वो भी किसी सूरत आपको सूट नहीं करेगा। लेकिन जो आईए आउटसोर्स कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं तो ऑडिट सर्विस दे रहा होगा ना यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक हमने जो ना वो फर्म खोली जो इंटरनल ऑडिट सर्विस देती है सिर्फ। और अगर वो इंटरनल ऑडिट सर्विस देती है तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस एक्सटर्नल ऑडिट का तो होगा। बिल्कुल होगा, सही है। चले आज